जिस तरह से कि मैं समझता हूं कि कल रात को हुआ, हम उसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं, हम समझते हैं और मैं समझता हूं कि इस प्रोटेस्ट में, इस कंडेमनेशन में अगर हमारे साथी जो ट्रेजरी में इस वक्त बैठे हैं वो शरीक नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि वो इसको इंडोर्स करते हैं, जो कि किया है उन्हीं की हुकूमत ने किया है, इन्हीं के हुकूमत ने ये किया। अभी वो तावीलें मुख्तलिफ किस्म की देंगे कि जी कागज यूं थे, कागज वूं थे, ये यूं था, ये वूं था, लेकिन आपको फिर रात की तारीखे में क्यों करना पड़ा? आपने आज से 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं किया? आपने अभी करना था भाई। आप एक बेसाखियों पे चलने वाली हुकूमत हो, आप फॉर्म 47 की हुकूमत हो, जरा थोड़ा सा सर नीचे करके चला करें। इस किस्म की एक तो नालायक और ऊपर से जो है जैसे कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये इस तरह का जो तासुर है कि अगर तो ये इस तरह के माहौल में मेरा नहीं ख्याल है कि सियासी अदम इस्तेकाम आ सकता है। डिप्टी चेयरमैन साहब, आपको यह देखना होगा कि इस मुल्क के बड़े गंभीर मसाइल हैं और इस किस्म की हरकतों में, जिससे कि पहले हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पे एक हमला किया गया, कातलाना हमला किया गया, उसकी आज तक हमें खबर नहीं है। इतना सा छोटा शहर है, कैमराज हैं, वीडियोज हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं है। हमने कहा भी था कि हाउस को बताएं कि जी उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। नंबर टू, आप जो है ये जो हमारे उस पर हमला हुआ है कल रात हमारे सेंट्रल ऑफिस पे, भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के दफ्तर पे हमला हुआ है, तो आप अपने आप को सियासी कहने पे फख्र महसूस करेंगे? ये सियासत है, ये सियासत है। अगर ये सियासत है तो फिर हम तो सियासत को छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है। अभी जवाब ले ले, जवाब ले ले मिनिस्टर साहब। देखिए बिल्कुल जवाब दें, जवाब तो हर सवाल का जवाब होता है, चाहे सही हो या गलत हो, जवाब तो होगा, ठीक है, और कहना भी है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम जो है तो इस उस पर शदीद वो करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि हमारे जो गिरफ्तार इस कल रात को जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी रिहा किया जाए, आमिर मुगल को और बाकी जो उनके साथी थे। बहुत शुक्रिया।